हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमिरेट्स D20 मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर दुबई वर्सेस शारजा के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर BBL T20 मैच के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में यहाँ पर त्रिपुरा वुमेंस बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसके मैचेस के भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो के लिए आप लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया, इन केस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो यह मैच शाम को 6 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी। बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, देखो यहाँ पर बैटिंग की बात करूँ तो ये पिच यहाँ से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, अच्छे रन बनते हैं। हालांकि कई बार यहाँ पर टीम कॉलेप्स भी करवा चुके हैं, एवरेज यहाँ से 140-150 रन तो आराम से बन सकते हैं, इवन ये जो आंकड़ा है कभी भी 200 के पार भी जा सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करूँ तो इक्वली आंकड़े हैं, तो टॉस इतना कुछ खास ज़्यादा मायने रखेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम दुबई की, जो कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा, इनसे उम्मीदें तो वो कई ज़्यादा थी। 6 मैच के लिए जहाँ से सिर्फ 2 मैच जीती है, 4 मैच वो हार के आ रही है। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर, आर्यन लाकरा के साथ ऐसे मोहम्मद इमरान ओडी ने ओपनिंग करवाया। अभी इमरान ओडी की बात करूँ तो मैंने शुरुआत के मैचेस में बताया था कि रेगुलर बेसिस पर ओपनर बल्लेबाज है, और लास्ट मैच के इनको इनमें इनको पहली बार ओपनिंग करने का मौका मिला। इसके पहले वो 4-5 मैचेस जो भी 3 मैच खेले वो काफ़ी नीचे खेले थे। तो अभी के लिए ये जो बंदा है आपके लिए ट्रंप कार्ड बन सकता है, क्योंकि ओपनिंग में जबरदस्त खेलता है। लास्ट मैच के अंदर भले 0 पे आउट हो गए, 2 चांस जो चीज़ें हो सकते हैं, या तो ये खेलेंगे ही नहीं या तो ऐसे इनको नीचे भेजा जा सकता है। अगर ओपनिंग करवाते हैं तो ऐसे इनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। बाकी आर्यन लाकरा ऐसे प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस एक बार फिर से रहेगी। तैमूर अली की बात करो तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, रिसेंटली उनका फॉर्म भी अच्छा है। बात करो तो इसी टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 33, 35 और 27 जैसे स्कोर किए हुए। बात करें ऐसे इससे पहले जो टूर्नामेंट खेले थे वहाँ पर ओवर्स करके विकेट वगैरह भी चटका रहे थे, तो इनको इनके ऊपर भरोसा करना है। अम्मार बदामी ने 16 रन किए लास्ट मैच के अंदर। इनका क्या है ना, ये अगर यहाँ से 4 या 5 मैच खेलेंगे तो जहाँ से 1 या 2 मैच में ही चलेंगे, लेकिन चलते हैं तब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो। सफीर तरीक विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिली तो ट्राई कर सकते हो, आई थिंक इनका नाम शायद विकेट कीपिंग सेक्शन में ही दिखेगा आपको, तो अगर कोई अच्छी चॉइस नहीं मिले तो ट्राई करेगा। शुरुआत उनकी अच्छी रही थी, 42 और 27 जैसे 2 अच्छे स्कोर जरूर किए थे, तो ट्राई कर सकते हो। रमेश शहजाद ने इसी टूर्नामेंट के 21 रन किए सेकंड लास्ट मैच के अंदर, टीम की कैप्टनशिप करवा रहे। प्लेयर यहाँ से कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस इनके हुआ नहीं, तो इनके ऊपर आप लोग यहाँ पर रिस्क ही ले सकते हो, इनके ऊपर आप लोग यहाँ से उम्मीद कर सकते हो कि एक बड़ा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आएगा। बाकी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आप लोग यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। शाहिद नवाज की बात करो तो इंपॉर्टेंस प्लेयर रह गया यहाँ पर, बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करते हुए भी आ सकती है। अच्छे परफॉर्मेंस दिया अभी तक, आप देख सकते हो विकेट वगैरह चटकाई है, बैटिंग से भी ऐसे 21 रन किए थे, तब वो यहाँ से 3रे या 4थे नंबर पर बैटिंग के लिए आ जाते थे, इसके लिए यहाँ से। बाकी अब्दुल मलिक को एज अ डिफरेंस खिलाड़ी ट्राई करिएगा, 2 में 2 विकेट निकाले, 3 बार ऐसे 2-2 विकेट निकाले हुए। ये पिछली टूर्नामेंट के भी कुछ ओवरऑल 18 मैच के अंदर 16 विकेट है, तो भरोसा इनके ऊपर यहाँ से अब्दुल मलिक के ऊपर कर सकते हो। बाकी अहमद शफीक वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, इनको आप मिस नहीं कर सकते। ऐसे युग शर्मा की बात करो तो ये भी कंसिस्टेंट प्लेयर है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये आपके लिए डिफरेंसिलियो में एक अच्छी चॉइस बन सकती है। हालांकि लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला था, तो बहुत सारी पब्लिक उनको लेके भी आ सकती है, तो ट्राई कर सकते हो उनको। बाकी साद अब्दुल्ला एज अ डिफरेंसिलियो में या फिर ऐसे रिस्की खेलर हो ट्राई करेगा, क्योंकि साद अब्दुल्ला उस लेवल का प्लेयर है, पिछली टूर्नामेंट में भी आप देख सकते हो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कुछ खास है नहीं, लेकिन इनका क्या है ना, जब विकेट निकालते हैं ना तब यहाँ से 3-4 विकेट एक साथ में निकाल लेते हैं, तो उसी के बदौलत आप लोग यहाँ से इनके ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे युग शर्मा के साथ शाहिद नवाज स्टार्ट करेंगे, डेथ ओवर्स में ऐसे शाहिद नवाज के साथ ऐसे अब्दुल मलिक डेथ में आएंगे। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी
प्रैक्टिस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। बात करें ऐसे शारजा की, जो कि 6 मैच खेली है जहाँ से 4 मैच वो जीती है, 2 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है, यहाँ पर उस्मान खान और यहाँ पर खालिद शाह दोनों ओपनिंग करवाए। इम्पोर्टेंस की बात करो तो दोनों इम्पोर्टेंस रहेंगे। खालिद शाह की बात करो तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, ट्राई कर सकते हैं उनको। उस्मान खान एज अ प्लेयर के साथ यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, तो इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। आयान अफजल खान की बात करो तो इन्होंने काफ़ी निराश किया है, हालांकि इनसे काफ़ी बड़ी उम्मीद थी मुझे। पिछली कुछ मैचेस के आप देख सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह देख सकते हो, इसके पहले वो यहाँ पर वर्ल्ड कप वगैरह खेल के आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप वगैरह, तो इनसे उम्मीद मुझे काफ़ी ज़्यादा थी। लास्ट मैच के अंदर तो इनको बैटिंग से भी 1 डाउन भेजा गया, लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा। फिर भी यहाँ से एज ए प्लेयर इनको छोड़ना तो काफ़ी रिस्की रहेगा, इवन यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की तौर पर कर सकते हो। फयाज अहमद इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो ये भी थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करिएगा। यासिर कलीम भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बैटिंग भी अभी तो काफ़ी नीचे करवाते हैं, तो अभी तक तो मैंने इनको छोड़ा नहीं है, यानी कि जितने भी मैचेस में खेला हो सारे मैच के अंदर उनको लेके गया हो, लेकिन आज की मैच के लिए शायद यहाँ पर यासिर कलीम को मेरे लिए बलिदान देना पड़ेगा। हालांकि प्लेयर काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं 46 रन किए भी थे सेकंड लास्ट मैच के अंदर, तो भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो, लेकिन स्मॉलिक के लिए आई थिंक शायद इनको छोड़ना पड़ सकता है। आप लोग रिस्की खेलते हो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी मोहम्मद नदीम एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की डिफॉल्ट चॉइस है, जनता के कैप्टन और हमारे भी कैप्टन यहाँ पर मोहम्मद नदीम ही रहेंगे, तो इनको तो लेके जाना ही जाना है। अमजद गुल काफ़ी नीचे खेलते, तो इनको अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो आप लोग ऐसे ग्रैंड लीग वगैरह खेलो और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी भी ऐसे इनको बैटिंग से ऊपर भी भेजा जा सकता है, तीसरे नंबर पर भी भेजा जा सकता है, या फिर ऐसे ओपनिंग भी करवाई जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में अगर टीम के अंदर शामिल करना चाहो तो कर सकते हो। जैनुल्ला शुरू में आपके मैचेस के अंदर ओपनिंग खेले थे, लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी नीचे खेलते हैं, तो इनको भी लेके जाना आई थिंक बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। अभी आदिल मलिक वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हो सारी मैच के अंदर विकेट निकाली हुई है। कर्नल जाहिद एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 2 बार बड़े परफॉर्मेंस दिए उन्होंने, एक बार 4 विकेट निकाली, एक बार 5 विकेट निकाली, प्लस जितने भी मैचेस खेले सारी मैच के अंदर विकेट निकाली, किसी भी मैच के अंदर यहाँ पर विकेटलेस नहीं गए, एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट, कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इरफान खट्टक पिछले दोनों मैच के अंदर 2-2 विकेट निकाल रहे हैं, तो भरोसा इनके ऊपर कायम रहेगा, जरूर लेके जाना है। विकेट्स की बात करो तो 31 मैच के अंदर ओवरऑल 31 विकेट थी, भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे कर्नल जाहिद के साथ इरफान खट्टक और डेथ ओवर्स में ऐसे इरफान खट्टक के साथ मोहम्मद नदीम डेथ में आएंगे। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो ऐसे खाली शाह को मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर इमरान ओडी को ट्राई कर सकते हो। देखो इस प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना है ग्रैंड लीग वगैरह में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग करेगा तो यहाँ से इनकी तरफ से एक बड़े परफॉर्मेंस की आप लोग उम्मीद कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे उस्मान खान, यासिर कलीम और यहाँ से तैमूर अली हमारी टीम के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप लोग रिस्क रमेश शहजाद के ऊपर लेना है आपको। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर आयान खान को मैंने लिया है, देखो सिलेक्शन काफ़ी कम ही है, लेकिन ये अच्छा ऑलराउंडर है भाई, इनके ऊपर मैं अभी भी भरोसा छोड़ा नहीं हूँ, मैं इनके ऊपर भरोसा कायम रखते हुए इनको लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से आर्यन लाकरा, शाहिद नवाज और मोहम्मद नदीम हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर भी आप लोग आदिल मलिक को ट्राई कर सकते हो। और बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर अब्दुल मलिक, अब्दुल शफीक और यहाँ पर कर्नल जाहिद को मैंने लिया है, यहाँ पर खट्टक को आपको लेना है, इरफान खट्टक को लेना है, युग शर्मा शायद अब्दुल्ला थोड़े से रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँ से मोहम्मद नदीम, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो ऐसे उस्मान खान हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। अदरवाइज चॉइस की बात करूँ तो ऐसे शाहिद नवाज है, आर्यन लाकरा, इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, ये दोनों थोड़े से सेफ रहेंगे, रिस्क यहाँ से आयान खान के ऊपर ले सकते हो। बाकी बॉलिंग से यहाँ से कर्नल जाहिद और ए शफीक को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगी जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाना है, वहाँ जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। बाकी
पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो भाई, सारे प्लेयर के बारे में बताया गया है, तो आप लोग उनको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से अपने खुद की टीम बना के ग्रैंड लीग वगैरह खेलते रहो, क्योंकि आप अपने दिल से खेलोगे तभी एक अच्छी विनिंग आपकी हो सकती है। तो फिर अच्छी विनिंग करते रहो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।